साथियों, नव वर्ष 2023 आपके लिए बहुत ज़्यादा शुभमय हो, मंगलकारी हो और आशा करता हूँ आप इस वर्ष बिल्कुल निरोगी रहें, कोई भी बीमारी आपको जल्दी से ना लगे। यही कामना करते हुए चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है, HM फॉर यू रुड़की, दैट इज़ होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की में दोस्तों आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज जो है हम किसी भी बीमारी के बारे में चर्चा नहीं करेंगे क्योंकि नया साल है, पहले ही दिन। कोई दवाई तो मैं बताऊंगा लेकिन किसी बीमारी के बारे में नहीं, कॉमन प्रॉब्लम जो है, जैसे नॉर्थ इंडिया में आजकल बहुत ज़्यादा ठंड पड़ रही है, शीत लहर का मौसम चल रहा है, तो इसके लिए आपको दो मेडिसिन, मेरी पहली भी ऑलरेडी इस पर वीडियो है, अब मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। तो दो मेडिसिन, जैसे कि आपको पता है नॉर्थ इंडिया में इस टाइम जो है शीत लहर का प्रकोप है, धुंध कोहरा जो है बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा ठंड है। जैसे ही आप बाहर निकलते हैं घर से तो अगर बहुत ज़्यादा ठंड लगती है तो इसके लिए एकोनाइट, एकोनाइट आप जानते हैं कि ये कोल्ड और हॉट, मतलब जो सर्द गर्म हो जाता है उसके लिए बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। और दूसरी मेडिसिन है दोस्तों डलकामारा, डलकामारा 30 भी दोस्तों बहुत ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। तो इन दोनों को आप इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करके किसी 100 ml या 30 ml की बोतल में रख लें और जब भी कहीं बाहर निकलें ठंड में, अपनी बाइक से, स्कूटर से या साइकिल से या पैदल भी निकलें, तो 4 बूंद एकोनाइट 30 और डलकामारा 30 की ज़रूर लेकर चलें, जिनको बहुत ज़्यादा अत्यधिक ठंड लगती है उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव मेडिसिन है। दोस्तों अगली एक कॉमन प्रॉब्लम है, कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा ठंड लगती है, जैसे हमारे छोटे बच्चे हुए या ओल्ड एज के, ज़्यादा ओल्ड एज वाले पर्सन हुए, उनको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है सर्दियों में, तो उसके लिए क्या करें, तो उसके लिए आप सोराइनम 1 ml, जैसे आज संडे, हफ्ते में एक बार सोराइनम 1 ml सुबह सुबह 4 बूंद लें और फिर अगले दिन से कोनियम 30 सुबह सुबह 4 बूंद डायरेक्टली टंग पे लें और फाइटोलक का 30 रात में 4 बूंद डायरेक्टली टंग पे लें या गोलियों में लें, जैसे भी आप लेना चाहें। तो सोराइनम को केवल हफ्ते में एक बार लेना है, उस दिन कोई और मेडिसिन नहीं लेनी, और अगले दिन से कोनियम 30 और फाइटोलक का 30 शाम को, सुबह को कोनियम 30 फाइटोलक का 30 शाम को लें। तो ठंड में जिन लोगों को अत्यधिक ठंड लगती है, ऐसा होता है कि बॉडी में एनर्जी कम बनती है, जिसकी वजह से जैसे हमारे ओल्ड एज पर्सन हैं, बच्चे हैं, जिनमें एनर्जी कम रहती है तो उनको ठंड ज़्यादा लगती है। सभी लोगों को ज़्यादा ठंड नहीं लगती है, कुछ लोग उसको झेल जाते हैं, कुछ नहीं झेल पाते। तो जिनको अत्यधिक ठंड लगती है वो कोनियम 30 सुबह और फाइटोलक का 30 शाम को और हफ्ते में एक बार सोराइनम 1 ml, और बाहर जाना हो, शीत लहर में घूमना हो या कुछ काम हो, मतलब आवश्यक, तो उसके लिए मैंने बताया है आपको एकोनाइट 30 और डलकामारा 30 दोनों को इक्वल क्वांटिटी में मिक्स करें और 4 बूंद कहीं बाहर जाने से पहले, शीत लहर में, ठंड में जाने से पहले लें, बहुत ही ज़्यादा इफेक्टिव रिजल्ट मिलेंगे दोस्तों आपको। तो दोस्तों HM फॉर यू रुड़की की तरफ से, होम्योपैथिक मेडिसिन फॉर यू रुड़की की तरफ से आपको एक बार फिर से नव वर्ष 2023 की हार्दिक शुभकामनाएं, विश यू अ वेरी हैप्पी न्यू ईयर 2023। आशा करता हूँ आप इस वर्ष स्वस्थ रहें, निरोगी रहें, आपके सभी कार्य अच्छे से संपन्न हो, मंगलकारी हो, आपके लिए वर्ष निरोगी हो ये वर्ष आपके लिए। तो दोस्तों HM फॉर यू रुड़की में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो यहाँ पर एक लाइक का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिया रहता है, उसको दबाइए, और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबाइए, जिससे आपको आने वाली प्रत्येक वीडियो के बारे में इन्फॉर्मेशन मिलती रहे, नोटिफिकेशन मिलती रहे। दोस्तों आपका बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच।